भाई मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने, सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई, मुश्किल हो रहा है गिनना। टोटल गेमिंग यानी कि अज्जू भाई की फाइनली इनकम रिवील हो चुकी है। वो एक दिन का कितना कमाते हैं, उनकी मंथली इनकम क्या है, और इनकी इनकम जानने के बाद तो बस आपको यही गाना याद आएगा। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक। तो बेसिकली गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार अज्जू भाई ने सिर्फ फेस रिवील वीडियो से कितना पैसा कमाया। आप लोग ये जान लो कि अज्जू भाई का जो फेस रिवील वीडियो बनाया है उसमें अज्जू भाई का 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है। हाँ भाई सच में है यार, अज्जू भाई का फेस रिवील वीडियो में 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो फेस रिवील वीडियो है वो पूरी तरीके से स्पॉन्सर है इंटेल कंपनी से। और अज्जू भाई ने सिर्फ अपने फेस रिवील वीडियो को स्पॉन्सर ही नहीं किया बल्कि इंटेल कंपनी से 30 से 40 लाख रुपए चार्ज भी किए। और यही नहीं, अज्जू भाई की फेस रिवील वीडियो पर अभी के टाइम पर 3 करोड़ व्यूज है, और 3 करोड़ व्यूज के यूट्यूब एड से बनते हैं 15 से 20 लाख रुपए। घुमा फिरा कर नहीं, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, अज्जू भाई ने सिर्फ फेस रिवील वीडियो से 40 से 50 लाख रुपए तक कमाए हैं। भाई सच बता रहा हूँ, पैसे बहुत है अभी। वेल चलो गाइस सब बात करते हैं कि टोटल गेमिंग की मंथली इनकम क्या है, वो एक वीडियो से कितना कमाते हैं, उनके लाइफ टाइम इनकम क्या है। मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो आप लोग यकीन नहीं करोगे। तो यार चलो खुद अज्जू भाई से जानते हैं। तो मेरा एज 21 साल है और 21 साल की एज में मैं काफी ज्यादा पैसे कमाता हूँ। ये बोलना झूठ रहेगा कि मैं कम पैसे कमाता हूँ, क्योंकि मैं एशिया का नंबर 1 गेमर हूँ और तुम समझ सकते हो उस बात से कि कितना कमाता हूँ। 1 मिनट, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स जो कि मैंने इसके मतलब पिछले महीने खरीदा था, और मैं हर महीने बहुत सारे आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद सकता हूँ। 1 मिनट और इनकम भी दिखाता हूँ, आई थिंक तुमको दिखेगा नहीं, मैंने दिखे। अच्छा मेरे को है ना ये इससे बाहर निकालना पड़ेगा। भाई मैं 2-3 एम्प्लॉय रखने वाला हूँ नेक्स्ट महीने, सिर्फ पैसे गिनने के लिए। इतने पैसे कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई, मुश्किल हो रहा है गिनना। है मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना भाई। ऐसे ना मेरे टेबल के अंदर पड़े रहते हैं पैसे, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ, मतलब मैंने ऐसे अभी कलेक्ट किए, टेबल में ऐसे इतने पैसे पड़े रह रहे हैं अभी। पहले का मैं बता दूँ, पहले इतने पैसे नहीं पड़े, अभी तो भाई पैसे कहीं पे भी, तुम आओगे ना मेरे घर पे आओगे ना टेबल पे कहीं पे पैसे, भाई सच बता रहा हूँ पैसे बहुत है अभी, पहले इतने ज्यादा नहीं थे।